गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बरसाती मौसम की स्पेशल डिश, ब्रेड पकोड़े। तो चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं क्या क्या हमें सामग्री चाहिए होती है। 1.5 कप बेसन, उबले हुए आलू, ब्रेड, हरी मिर्च, किसा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ टमाटर और बारीक कटा हुआ प्याज। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बैटर को अच्छे से बना लेंगे। गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए इसमें। ये हमारा बैटर घुलकर रेडी हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च। अब हम आलू की पिट्ठी रेडी करेंगे। आलू उबले हुए थे जो उनको हमने मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर। ये कसूरी मेथी को हमने रोस्ट किया था और इसको हम क्रश करके हाथ से इसको डालेंगे। अब इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू हमारे बिल्कुल मैश हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, बारीक ये काटी हुई हरी मिर्च, अदरक और ये टमाटर। अब इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। हमारा बैटर भी रेडी है और फिलिंग भी, और ये ब्रेड। बेसन में अगर पानी कम लगे तो आप उसमें थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। और इस तरह के बैटर को रेडी करना है हमें। अब हम ब्रेड को लेंगे और इसमें फिलिंग को रखेंगे। अच्छी तरह से इसको हमें इस पर लगाना है। अब इसको हम बंद कर देंगे और ऐसे ही सारे ब्रेड को तैयार कर लेंगे। और ये हमने गैस को ऑन करके इस पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें अपने ब्रेड को डिप करेंगे और तलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम धीरे धीरे इस पर ऑयल को डालेंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए। अब हम इसको निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे ब्रेड को हम तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे तेल डालेंगे इस पर हम ताकि ये दोनों तरफ से सिक जाए। देखिए हमारा ब्रेड बनकर रेडी है और इसको हम अब बीच में से काट लेंगे। देखिए फ्रेंड, अंदर से भी कितनी अच्छी फीलिंग। लीजिए दोस्तों, हमारे गर्मा गर्म ब्रेड बनकर तैयार है। सर्व कीजिए गर्मा गर्म चाय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।